नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, जिस तरीके से करनाल जिले में लगातार कोरोना के केसेस सामने आ रहे थे, पहले 33 थे, फिर 44 हुए, फिर 54 केसेस सामने आए, उससे हम बार बार इस बात की आशंका लगा रहे थे कि कहीं करनाल जिले में फिर से लॉकडाउन ना लग जाए। हालांकि एक तरीके से मिनी लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि समय अब जो निर्धारित किया गया है दुकानें बंद होने का, वो शाम 6 बजे का कर दिया गया है। जितने भी यहाँ पर आप व्यापारी देख सकते हैं, क्योंकि हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं, करनाल का कमेटी चौक है, यहाँ पर मुख्य चौक है, आप देख सकते हैं वाल्मीकि चौक है करनाल का। आसपास तमाम रेड़ी वाले आपको नजर आ रहे होंगे, दुकानें नजर आ रही होंगी। व्यापारियों में क्या इस बात का गुस्सा है या नहीं है, इस बारे में हम जरूर आज जानकारी लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात, बड़ी ही मुश्किल से सेकेंड वेव के बाद लोगों का कामकाज संभला था, बड़े मुश्किल से लोगों ने अपने काम को फिर से सही ट्रैक पर वो लेकर आए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान कोरोना की फर्स्ट वेव और कोरोना की सेकेंड वेव में दुकानदारों को देखने को मिला था। लेकिन आज हम इन तमाम दुकानदारों से जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे, क्योंकि पहले हरियाणा के 5 जिलों में लॉकडाउन लगा था, लेकिन कल रात को दोबारा से आदेश आते हैं, जिसके बाद जो मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं आकर्षण उपल, उन्होंने करनाल के डीसी साहब से बात की और उसके बाद ही आप तक ये जानकारी पहुंचाई थी कि अब हरियाणा के अन्य 6 जिलों में भी लॉकडाउन लग चुका है, जिसके बाद हरियाणा में कुल 11 जिले ऐसे हैं जिसमें लॉकडाउन लगा है और जिसमें बहुत सारी चीज़ों पर अब प्रतिबंध लग चुका है। हालांकि जब भी इस तरीके के हरियाणा सरकार की तरफ से लॉकडाउन के कुछ भी ऑर्डर आते हैं, लोगों में बहुत तरीके की असमंजस बनी रहती है कि क्या कुछ खुला रहेगा, क्या कुछ बंद रहेगा। पूरा का पूरा लॉकडाउन चला जाता है लोगों को बताने में कि क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, लेकिन अंत तक भी लोगों के मन में कन्फ्यूज़न ही रहती है, लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न ही रहती है कि क्या कुछ खुला है, क्या कुछ बंद है। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि बंद होने के बाद भी लोग अपनी दुकानें खोली रखते हैं, चाहे हलवाई की दुकानें हो या अन्य दुकानें हो, उसके बाद लोगों में असमंजस बनी रहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी सुबह का समय यहाँ पर लोग खरीदारी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो महिला यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी, उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया हुआ। हालांकि पहले भी हम ये बार बार कहते हैं कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर जब आप जाते हैं, आपको मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, अब जो मेरे सहयोगी यहाँ पर साथ में खड़े, उन्होंने कहा कि आप स्टोर ले लीजिए ताकि लोगों में एक अच्छा मैसेज ज़रूर जाए। पहले के जो मैं 5 जिले के बारे में आपको बताना चाहूँगी जहाँ पर हरियाणा में सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिले, गुरुग्राम, फरीदाबाद, उसके अलावा अंबाला, पंचकुला और सोनीपत। और अब जो 6 जिले शामिल किए गए हैं उसमें करनाल समेत, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, झज्जर और उसके अलावा एक जिला और है, उन 11 जिलों के मैं आपको नाम बताऊंगी, लेकिन सबसे यमुनानगर, करनाल समेत 6 जिलों में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया। और पूरे हरियाणा में अब 11 जिले ऐसे हैं जिनमें लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन सबसे बड़ी जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि आज शाम 6 बजे से सभी की सभी दुकानें बंद हो जाएंगी, यानी कि जो पूरी मार्केट में चहल पहल आपको देखने को मिल रही है, ये शाम 6 बजे से अब से बंद होने वाली है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। जितने भी रेड़ी वाले हैं, फड़ी वाले हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। कहाँ से हो भैया? करनाल से। करनाल से हो। जानकारी मिली है ऑर्डर के बारे में कि 6 बजे से अब आप नहीं खड़ी कर सकते रेड़ी, घर जाना होगा? हाँ, घर जाएंगे 6 बजे बाद। नुकसान होगा काफ़ी? हाँ जी, देखो जो नुकसान होगा देखी जाएगा, ले जाए बंद कर देंगे। मतलब खुश हो इस ऑर्डर से? क्या कहना चाहो? खुश है। हम खुश हैं। सरकार के साथ हो? हाँ, सरकार के साथ। तो कह रहे हैं कि खुश हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा हमें, लेकिन आगे चलते हैं और जानते हैं, क्योंकि दुकानदारों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा पिछली बार भी देखने को मिला था, क्योंकि कुल मिला के लोगों की गलती यहाँ पर मानी जाती है, लेकिन नुकसान हर किसी को झेलना पड़ता है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं काफ़ी दुकानदार यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। और आगे चलते हैं थोड़ा सा और जानते हैं दुकानदारों से कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। ये देखिए, इस तरफ भी काफ़ी दुकानें हैं, कुछ फड़ियाँ भी लगाकर यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। एक बार दुकान में चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ दुकानदार कहेंगे, क्योंकि आज शाम 6 बजे से मार्केट सूनी पड़ने वाली है। सर, 6 बजे मार्केट बंद हो जाएगी, आज ऑर्डर आपको मिल गए होंगे? जी, मिल गए जी। क्या नाम है आपका? मोहसिन जी। तो साथ हैं सभी व्यापारी? हाँ जी, सभी साथ में, सरकार के साथ में, जैसे उनके ऑर्डर हैं
ठीक है। लेकिन कोरोना की सर तीसरी वेव है, पहली वेव में आपने सोचा होगा चलिए ठीक है कोरोना अब जा रहा है देश से खत्म हो जाए, सेकंड वेव भी आई, सेकंड वेव में ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। जी जी नुकसान तो बहुत है, जब से लॉकडाउन लग रहा है ना बहुत ज्यादा नुकसान है जी, नुकसान सब कुछ लॉस है जी 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 जी। आज भी हम तो टेंशन में सुन के, लेकिन क्या कर। हाँ जी तो काफी ज्यादा देखिए टेंशन में है, टेंशन में इस वजह से है क्योंकि बिजनेस का लॉस हो रहा है, और बिजनेस का लॉस होता है तो आप खुद समझदार हैं कि सभी का लॉस होता है। मार्केट जब चलती है तो पूरे देश की इकॉनमी अच्छे से चल पाती है, लेकिन इकॉनमी पे काफी ज्यादा असर जरूर पड़ता है। मेरे जो सहयोगी हैं आकर्षण उपल, उनसे एक बार बात करूंगी। सर अब दुकानदारों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं जब से हमने इन ऑर्डर के बारे में सुना है। हमें भी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जब हम कहते हैं लोगों को हिदायतें देते हैं कि मास्क लगाइए, दो गज की दूरी का पालन कीजिए, जो सरकार की ऑर्डर है उनको फॉलो कीजिए, लोग कहते हैं कि हम भी उन्हें टेंशन देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि अब करनाल भी रेड जोन में आ गया, बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिनमें भ्रांति है, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया के ऊपर लगातार चल रहा है कि जो रेहड़ियाँ हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, जो ढाबे हैं वो 6 बजे के बाद खुले रहेंगे। तो मैं उन लोगों को, जो मेरी DC निशांत कुमार यादव से बात हुई थी, मैं एक बार आपको वो सुनवा देता हूँ कि DC साहब ने मुझे क्या बताया है, क्योंकि आधिकारिक रूप से जो जिले के जिलाधीश होते हैं, उपायुक्त होते हैं, उनके पास ज़्यादा जानकारी होती है। तो मेरी DC साहब से जो बात हुई थी वो एक बार सुन लीजिए। सब ठीक सर, करनाल भी रेड जोन में आ गया। हाँ यस यस, कल रात को ऑर्डर्स आ गए उसके। जी सर, तो 6 बजे शॉप्स वगैरह बंद होंगी, आज करेंगे उसका एक इशू। ओके सर, और रेस्टोरेंट वगैरह सर फिर 6 बजे के बाद बंद? सब 6 बजे। हाँ, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे, शॉप्स, हर चीज 6 बजे है ना, एक्सेप्ट जो essential services है, medical shops हो गई और इस तरह की। Right sir, तो करेंगे सर आज के। तो आप समझिए कि DC साहब ने स्पेशली ये बात बोली है कि चाहे कोई दुकान हो, मॉल हो, रेस्टोरेंट हो या फिर ढाबे हो, एसेंशियल गुड्स को छोड़कर, एसेंशियल गुड्स में क्या आता है, दवाइयों की दुकानें आती हैं, दूध की दुकानें आती हैं, करियाने की दुकानें देखनी होंगी कि आज आती हैं या नहीं आती, जो जिम है वो भी 6 बजे तक कर दिए, कुछ लोग कह रहे नहीं जिम भी 10 बजे तक चल सकते हैं 50% कैपेसिटी के साथ। तो जो 50% कैपेसिटी है, जो 50% कैपेसिटी है उनके लिए मैं बता दूं कि वो टाइम भी 6 बजे तक ही रखा गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि कुछ दुकानदार हैं यहाँ पर जो फड़ी वाले हैं, देखिए खासकर जो फड़ी वाले हैं, इन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब एक्टिवा पे आए हुए हैं, इनसे एक बार पूछ लेते हैं। भाई साहब क्या शुभ नाम है जी? हेमंत जी। तो आज से ऑर्डर आ गए हैं करनाल के लिए भी 6 बजे तक, क्या लगता है आपको? बाजार बंद हो जाएंगे। तो साथ हैं आप सरकार के? हाँ जी, हाँ जी साथ हैं। होना चाहिए ऐसा? होना चाहिए, केस बढ़ रहे हैं जी, केस बढ़ रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं कि केस बढ़ रहे हैं। तमाम लोग चाहते हैं कि जो बाजार है वो 6 बजे तक रहे। भैया आपका जो काम है वो 6 बजे से पहले पूरा हो जाता है या उसके बाद भी कस्टमर आते हैं? नहीं, 6 बजे तक ही होता है बाजार में से, ग्राहक तो मेन। 6 बजे तक ठीक है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सहमत है जी। सब लोग देखिए जो दुकानदार हैं वो ज़्यादातर दुकानदार ये बता रहे हैं कि हाँ हम सरकार के फैसले के साथ हैं। जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि केस अगर बढ़ रहे हैं। सत श्रीकाल जी, 6 बजे तक टाइम हो गया कि 6 बजे तक ठीक है टाइम? हाँ अच्छी बात है, ना ले गए सरकार दे। हाँ जी, हाँ जी। तो जितने भी देखिए जो दुकानदार हैं वो भी कहीं ना कहीं साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नुकसान बिजनेस का जरूर होता है, लेकिन बढ़ते हुए जो कोरोना के मामले हैं उसको देखते हुए जो दुकानदार हैं कहीं ना कहीं साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगली जो कवरेज है मेरी सहयोगी मैक शर्मा आपके साथ जारी रखेंगे। मैक, मैं चाहता हूँ कि जो तमाम 11 जिले हैं उनकी जो स्थिति है वो एक बार आप ज़रूर बता दें, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अगर मामले धीरे धीरे बढ़ते रहे तो एक टाइम पे पूरा हरियाणा भी रेड जोन में आ सकता है। बिल्कुल रेड जोन में आ सकता है पूरा हरियाणा, क्योंकि 11 जिलों में लॉकडाउन लग चुका है। अन्य जिलों में भी अगर इसी तरीके से कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ी, अगर कोरोना के मामले लगातार हरियाणा के बचे हुए जो जिले हैं उनमें भी लगातार मामले सामने आते रहे तो पूरे हरियाणा में जल्द लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि जब नाइट कर्फ्यू लगा था, नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हुई थी, तब से ही लोगों के मन में ये डर तो बैठ गया था कि अब जल्द हरियाणा में लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू से ही हर बार लॉकडाउन की शुरुआत होती है। लेकिन सबसे बड़ी अभी भी दोस्तों आपको जो एक बात का ध्यान रखना है वो ये है कि आप लोगों को मास्क अब ज़रूर पहनना है। हालांकि मैं समझ सकती हूँ, मैं अपनी बात करूँ, अपनी टीम की बात करूँ, पूरे करनाल की बात करूँ, तो हर किसी की मास्क की आदत ज़रूर छूट गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना था कि मास्क पहनने से सांस लेने में ज़रूर हमें दिक्कत आती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी अब कौन से ऐसे 11 जिले हैं जिन्हें हरियाणा में शामिल किया गया है ग्रुप ए में, ग्रुप ए डिस्ट्रिक्ट में जिन्हें शामिल किया गया है। करनाल,
पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक, झज्जर, इसके अलावा जिन पहले 5 जिलों में लॉकडाउन लगा था, कुल मिलाकर अब 11 जो बनते हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर। इसके अलावा मैं आपको एक बार फिर से उन मुख्य पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूँगी जिन पे लॉकडाउन इम्पोज हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं, थिएटर्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, वो आने वाले ऑर्डर तक क्लोज रहने वाले हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी जो अपडेट थी वो दुकानों को लेकर थी, जितने भी शोरूम हैं उसको लेकर एक बड़ी अपडेट ये आई थी कि शाम 6 बजे से अब सभी की सभी दुकानें बंद रहने वाली है। उसके अलावा संडे मार्केट जो हर संडे को करनाल के सेक्टर 12 में लगती थी, वो भी करण गेट जो कुंजपुरा रोड पर जो और सेक्टर 12 में जो मार्केट लगती थी वो भी अब बंद रहने वाली है। डीसी साहब ने इस बात के ऑर्डर दिए स्पष्ट तौर पर, क्योंकि वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं रखा जाता था, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ एक साथ इकट्ठी होती थी, तो कोरोना के मामले और दिन प्रतिदिन बढ़े ना, इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा मैं आपको बताना चाहती हूँ अब एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या कुछ अन्य ऑर्डर हैं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि तो मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखें, अपने आसपास 2 गज की दूरी बनाकर ज़रूर रखें, ताकि कोरोना के मामले और दिन प्रतिदिन बढ़े ना। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं एम एन 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।